कराहल ब्लॉक सरपंच संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कराहल को सौंपा ज्ञापन। मांगे जल्द पूरी नहीं होगी तो हड़ताल। खबर कराहल से है, जहां कराहल क्षेत्र के सभी महिला पुरुष सरपंचों ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बताया कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम पंचायत के माध्यम से क्षेत्र में विकास करेंगे, मगर आज नौबत ये आ गई कि पंचायत में सरपंच सिर्फ नाम का रह गया है। बहुत सी पंचायत ठेके पर चल रही हैं, ज़्यादातर सरपंच अनपढ़ होने के चलते सचिव बेरोजगार, सहायक और उपयंत्री बिना सरपंच को बताए सरकारी काम करवा रहे हैं और पंचायत मत का आहरण कर रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर इन कारनामों पर रोक नहीं लगाई गई तो हमारा पूरा सरपंच संघ हड़ताल करेगा और ज़रूरत पड़ी तो हम अपने सरपंच पद से भी इस्तीफा दे देंगे। एसडीएम सिकरवार जी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कराने को बात कही है और जनपद सीईओ को जल्द ही कार्यवाही के लिए बोला जाएगा। सरपंच संघ की मीटिंग पनवाड़ा स्थित पंचायत कार्यालय पर हुई थी, जिसमें सभी के लिए भोजन का प्रबंध भी किया गया था। पंचायत भवन पर स्थित कराल सरपंच, कराल ब्लॉक के सरपंच संघ लोग इकट्ठे हैं, तमाम मांगों के साथ इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने यहाँ अपनी मीटिंग की, मिलकर जानते हैं कुछ सरपंच सभी से कि क्या इनकी परेशानियाँ क्यों ये हुए। जी सर, क्या नाम है? मैं मुकेश मल्होत्रा, सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ कराल का। क्या परेशानी है सर, आप जो यहाँ पे आज इकट्ठे हुए? आज यहाँ पे हमारे सरपंच संघ की तृतीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक का आयोजन इसलिए किया गया है कि जो हमारी ग्राम पंचायत है 52 पंचायत कराल ब्लॉक में, तो उनमें हमारे आदिवासी सरपंच भाई हैं, कुछ हमारी बहन हैं सरपंच हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। सेक्रेटरी भी उनको गुमराह करते हैं और जनपद पंचायत के कर्मचारी अधिकारी भी उनकी सुनते नहीं है समस्या, और बाहर के ठेकेदार मतलब सेक्रेटरी से सांठगांठ करके या जनपद के कर्मचारियों से सांठगांठ करके और चुपचाप उनको एकाएक निर्माण कार्य दे देते हैं। और हमारे कुछ सरपंचों की डीएससी भी उनके पास रखी है, सेक्रेटरियों के पास और ठेकेदारों के पास, जो पैसा निकल जाता है उसका उनको पता ही नहीं लगता है कब निकल गया, कब बिल वाउचर हो गए और काम ठीक गति से चल नहीं रहे। तो ऐसी कई समस्याएँ हमारी, तो हमारा ये निवेदन है कि इसमें सभी सरपंच भाइयों को मतलब जो निर्माण कार्य है उसमें पूछा जाए और सरपंच के बिना सहमति के कोई एस्टीमेट वगैरह नहीं बनाया जाए, निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया जाए, जब सरपंच बोले इसके बाद ही स्वीकृत करें और कर्मचारी अधिकारी सरपंचों को घुमाए नहीं। हम आगे चल के बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और अभी हम ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नाम से एसडीएम साहब को और सीईओ साहब को। बड़ा ही गंभीर विषय बताया जा रहा है कि सचिव, रोजगार सहायक या जो भी जनपद के अधिकारी हैं वो इनकी बिना जानकारी के पेमेंट निकाल लेते हैं। कुछ सरपंचों के डीएससी जो सिग्नेचर होते हैं डिजिटल, वो भी उनके पास हैं। कुछ महिला सरपंच हैं। जी, क्या नाम है आपका? राधी भाई। किस पंचायत से सरपंच हैं आप? चक्रमपुरा। क्या परेशानी है आपको? चक्रमपुरा सारी है काम धाम की, कोई काम की नहीं सुना सेक्रेटरी सेक्रेटरी। ये पंचायत की महिला सरपंच जो कह रही हैं कि कोई काम की नहीं सुनता है, हमें तो कोई पता ही नहीं है क्या काम हो जाते हैं। और क्या परेशानियाँ हैं ऐसी? पानी के शक पर साड़ी बोल तो जे बता पानी वाणी। आप देख सकते हैं महिला सरपंच खुद कह रही हैं कि पानी की समस्याएं हैं, सब समस्याएं। जब सरपंच को ही समस्या है तो फिर आप समझ सकते हैं कि विकास किस गति से हो रहा होगा। जी आप, जी आपके बिना पूछे कैसे कार्य कर लेते हैं वो? ये हमें जानकारी नहीं, हम जनपद में जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं, हर काम उनके द्वारा होता है। जनपद में आपने जनपद सीईओ जो है अभिषेक त्रिवेदी जी, इनसे इस बारे में बात की आपने? नहीं, त्रिवेदी से गए थे हम मिलने, दो बार जा चुके हैं लेकिन वो मिले नहीं, कहीं बाहर मीटिंग में रहते हैं। वो सेक्रेटरी लोग बोलते हैं कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, हम सब कर लेंगे। यानी सीईओ साहब के संज्ञान में अभी ये मामला नहीं आया है? नहीं, नहीं, नहीं। और क्या परेशानियाँ मुख्यतः? मुख्यतः ये है कि हमें गाँव की जो जनता है ना, हमें काम मांगती, वो काम मिलता नहीं है। हमें 20 से 30 काम रोजगार जो मिलता है ना, वो चाहिए हमको 30 काम, और समय पे बिलिंग होना चाहिए हमारी। ये जो सरपंच साहब कह रहे हैं कि समय पे एक तो बिलिंग नहीं होती है, तमाम सारे काम पेंडिंग है, वो हमें मिलते नहीं है, जितने कार हमें मिलने चाहिए उतने मिलते नहीं है, ऐसी ना जाने क्या क्या समस्या है। कराल सरपंच गोपाल डो भास्कर जी भी यहाँ मौजूद हैं। जी सर, क्या परेशानियाँ आ रही हैं सर पंचायत में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जहाँ भी गरीब से अन्याय होता है आप तुरंत मतलब 24 घंटे खड़े रहते हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार इसके लिए। और जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारे 52-53 सरपंच आदिवासी, उनके साथ अन्याय हो। और दूसरी बात यह है कि कुछ अनपढ़ सरपंच है ठेकेदारों से साठ गांठ करके, और मतलब डीसी बीसी वगैरह यो सील मिल सब उन्हीं के पास रहते हैं, उनको कई कई मतलब कच्ची कच्ची बांध लेकर साइन करा ले जाते हैं, उनको ये आवेदन है फलाना आवेदन है ऐसे करके उनका काम चला मतलब निकाल लेते हैं वो पैसा। ये समस्या है। सरपंच साहब का कहना है कि अनभिज्ञता में रखा जा रहा है सरपंचों को, सरपंच एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है पंचायत में,
सचिव और उनके अधिकारी उपयंत्री सब उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, सरपंच होने के नाते भी इन पे सारे अधिकार नहीं है। जी सर, आप किस पंच? जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम आदिवासी है, मैं ग्राम पंचायत बुढ़ेरा सरपंच हूँ। और समस्या ये है सर कि हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती नीचे से ऊपर तक, मतलब सरपंच क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जितने भी जो कार्यालय हैं इनमें सेक्रेटरियों की, इंजीनियर की, सीओ साहब की, सब काम उनके ही हिसाब से होता है। मतलब यहाँ सरपंचों को कोई मतलब नहीं समझा जाता, उनको कुछ भी वैल्यू नहीं है सर। मतलब कोई भी काम से या किसी प्रकार का जो भी निर्णय डिसीजन जो भी होता है, सब सूचना जानकारी उनको ही मिलती है, सेक्रेटरियों को और जो भी ऊपर के अधिकारी हैं सब वो उन्हीं को ही बताते हैं, बस उन्हीं को ही सब कुछ समझते हैं। आपने अपनी शिकायत कभी अपने आला अधिकारी जनपद सीओ हैं या जिला पंचायत सीओ उनको रखी? कहते हैं सर, लेकिन कोई मतलब कभी अभी तक हमारी समस्या कोई समाधान नहीं निकला। सर का कहना है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरपंच चुनाव जीत कर आए हैं, तब भी इनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। एक सचिव अपनी मनमानी करता है, इन्होंने आला अधिकारियों से भी अपनी बात रखी लेकिन वहाँ से भी इनको कोई निराकरण नहीं मिला है। बड़े परेशान हैं, आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरनाथ देवरिया, मैं ग्राम पंचायत परतवाड़ा, मेरी पत्नी है सरपंच लेकिन वो अनपढ़ है। अनपढ़ होने के नाते मैं पढ़ा लिखा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन जो ग्राम पंचायत के हम सरपंच, हम मेरी पत्नी सरपंच तो बन गई है लेकिन वो तो जानती है, लेकिन मैं जानता हूँ सब चीज़। हम इतने पढ़े लिखे होने के नाते, सचिव इंजीनियर, हमारी जितनी भी कुछ काम कूज है उनको अनदेखा करते हैं। जैसे कि एस्टीमेट है, एस्टीमेट के बारे में पूछते भी नहीं हैं ना, कभी जितनी मीटिंग भई हमारे लोगों की हुई हैं लेकिन सीओ साहब ने कभी हमारे साथ में कोई मीटिंग नहीं ली। सरपंच पति जो हैं जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जबकि शासन के निर्देश है कि सरपंच और सचिव कोऑर्डिनेशन करके किसी योजना को पास करेंगे, सरपंच की भी उसमें सहमति होगी तो वो चीज़ पास की जाएगी, उसको बताया जाएगा। सरपंच सर, जनता के चुने हुए सरपंच ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि सहायक सचिव और सचिव उनको परेशान कर रहे हैं, बिना एस्टीमेट के उनके काम किए जाते हैं, ठेकेदारी प्रथा चल रही है, सरपंचों को अपने पूर्ण अधिकार मिले ही नहीं है। महिला तो ये कह रही है हमको पता ही नहीं देता है कि क्या कार्य पंचायत में हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं, इस वजह से सर आप अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, उन्होंने आज एक ज्ञापन हमें प्रस्तुत किया है, हम इस पर परीक्षण कराएंगे और सीओ जो कि इनके मॉनिटरिंग अधिकारी हैं उनकी तरफ भेजकर उसमें जो भी कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरपंच संघ जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद। लगे हुए हैं इन सरपंचों को, ये तक भी नहीं पता कि कितने कार्य हो गए हैं, कितने नहीं हुए हैं, लोग पेमेंट निकाला जा रहा है। महिला सरपंच तो ये आरोप लगा रही है कि हम तो पानी की व्यवस्था भी अपनी पंचायत में नहीं करा पा रही हैं, हम जनता को क्या जवाब दें? आप अधिकारी होने के नाते हम क्या इस पर बोलती हैं? अब मेरी नॉलेज में आज आया है ये तो, खैर